हेलो दोस्तों, गेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं राज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास कुछ दोस्तों का कमेंट आया कि दो केबल को एक साथ कैसे जोड़ें। आजकल आप देख पा रहे होंगे कि सी टाइप वाले चार्जिंग पिन और ये माइक्रो यूएसबी जो पहले आता था, अब तो मैक्सिमम मोबाइल में सी टाइप आ रहा है, ठीक है। तो काफी दिक्कतें हो रही है। अगर घर में दो फोन है या फिर आप प्राइमरी और सेकेंडरी दो फोन यूज कर रहे हैं, मेन फोन में आपका सी टाइप मिल जा रहा है और जो आपका पुराना फोन है उसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया हुआ है, तो ऐसा क्या करें कि आपको दो केबल कैरी ना करना पड़े, एक ही में अगर आप ज्वाइंट कर लें, ठीक है, तो आपका काम चल सकता है या नहीं चल सकता है, और करना है तो कैसे करें, ठीक है। और हो सकता है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है, आप चाहें तो दो केबल को एक में ज्वाइंट कर सकते हैं। तो आज उसी विषय पे बात होगा, तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, एक एक चीज समझिए। अगर आप कनेक्शन सही नहीं करेंगे तो आपका फोन चार्ज नहीं होगा और खराब भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए अच्छे तरीके से देखें आप इसको, ठीक है। आशा है बिल्कुल आप पूरा वीडियो देखेंगे, स्किप करेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ लेंथ छोड़ के आप दोनों को काट दीजिए, ठीक है। ठीक है, दो केबल को आप काट दीजिए। ऐसे काटने से खराब नहीं होगा, अगर आप लग रहा हो केबल काटने से खराब हो जा रहा है तो नहीं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आप अलग अलग हो गया, अब इस दोनों में से आप कोई एक लीजिए और ये दोनों लेना है, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक लेना है, ठीक है, और ये तो दोनों लेना ही लेना है। तो आपको क्या करना है, देखना है कि दोनों में से कौन वाले तार का क्वालिटी अच्छा है, ठीक है, वही आपको रखना है, दूसरा हटा देना है, ठीक है। तो मैं यही रखता हूं, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, यहां से, ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही आप कर दें, ज्यादा अच्छा रहेगा, इतना से आप ऐसे करें, कटर का भी हेल्प ले सकते हैं आप या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए चार वायर निकलते हैं, ठीक है, ये दोनों चार्जिंग का यूज आता है और ये दोनों डाटा के लिए, डाटा सिर्फ ये दोनों से डाटा नहीं जा पाएगा, 5 वोल्ट का सप्लाई चाहिए और उसके साथ ये डाटा केबल चाहिए, तब जाके खुलता है, ठीक है। उसी तरह इधर से भी आप पीवीसी को रिमूव करें, इसका जो कवर है स्लीव टाइप में, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहां पे देखिए, इसका ऊपर जो कपड़ा का दिया हुआ है इसको थोड़ा सा आप नीचे कर दीजिए, फिर यहां से कटर के हेल्प से भी आप इसको छील सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। देखिए अब आपको क्या करना है, सभी का रेड एक में, यानी तीन, देखिए ये दोनों आपको हो गया, एक माइक्रो यूएसबी एक सी टाइप, इसका जो हुआ आपको चार तार और एक जो मेन जो चार्जर में आपके लगेगा, ठीक है, चार्जर में आपके जो लगेगा, ठीक है, वो तो तीनों का रेड एक पे और तीनों का व्हाइट एक पे, तीनों का ग्रीन एक पे, तीनों का ब्लैक जो है वो एक पे, ऐसे आपको जोड़ना है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले मैं रेड लेता हूं, ठीक है, रेड यहां हुआ, यहां हुआ और यहां हुआ, ठीक है। आपको क्या करना है, एक स्लीव लेना है छोटा सा, ठीक है, यहां आप ऐसे डाल दीजिए, ताकि देखिए यहां हो गया। अब उसके बाद आप ये दोनों का रेड, देखिए माइक्रो यूएसबी और सी टाइप दोनों का रेड एक में ज्वाइंट कीजिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहां से ऐसे ज्वाइंट कीजिए, ठीक है, सभी तार को लेके, ठीक है। अब आप चाहें, आपके पास सोल्डिंग आयरन है तो अच्छा है, आप यहां पे सोल्डिंग करें, सोल्डिंग आयरन नहीं है तो बस इसको ऐसे फोल्ड कर स्लीप ऐसे लगा दें, स्लीप जो है ऐसे लगा दें, लेकिन मेरे पास आयरन है तो मैं इसको हल्का सा इस पर रांगा लगा देता हूं। और आप भी कोशिश करें रांगा लगा दें, ठीक है,
ताकि ये और मजबूत रहे, ज्वाइंट जो है आपका और मजबूत रहे। देखिए इतना ही रांगा लग जाने से ये काफी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जब रांगा लग जाए तो आपको बहुत ज्यादा बड़ा नहीं छोड़ना है, ठीक है, कुछ छोड़ के इतना काट देना है। लेकिन जब आप सोल्डिंग नहीं करते तो आप बिल्कुल बड़ा रहने दे ताकि मजबूत रहे। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे किसी तरह भी आप मोड़ दीजिए। मोड़ने के बाद आपको स्लिप जो है ऐसे, ठीक है, ऐसे मोड़ दीजिए, जैसे भी मुड़ जाए ऐसे मोड़ दीजिए। उल्टा होने से स्लिप लगाने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। ठीक है, लीजिए ज्वाइंट के ऊपर आ जाना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो गया ज्वाइंट, बीच में जब आ जाए तो छोड़ दें आप। अगर लगे कि स्लीव नीचे नहीं आ रहा है तो आराम से इसको उल्टा साइड में मोड़िए, बिल्कुल स्लीव अच्छे से नीचे तरफ चलाएगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बीच में आ गया। अब सेम इसी तरह ब्लैक, बिल्कुल इसी तरह आपको ब्लैक लेना है। ठीक है, ये दोनों का ब्लैक एक में, ठीक है, एक में ऐसे ट्विस्ट कर लीजिए और उसके बाद यहां का ब्लैक, उसके बाद फिर से आपको इसमें एक स्लीव डालना है और यही प्रक्रिया ये चारों कलर के वायर के साथ करनी है। ठीक है, सिर्फ रेड और ब्लैक अगर आप जोड़ देते हैं, ठीक है, सिर्फ आप क्या करें रेड और ब्लैक जोड़ते हैं, ये सब काट के हटा देंगे तो आपका चार्जिंग होगा लेकिन डाटा केबल वाला काम नहीं हो पाएगा। मतलब अगर इसको लैपटॉप से या पीसी से कनेक्ट करके आप अपना डाटा शेयर करना चाहें तो आप नहीं कर पाएगा, लेकिन और सब काम जो चार्जिंग का काम है वो प्रॉपरली होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो फिर यहां भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह हल्का सा रांगा आप इस पे भी लगा दें। रांगा जब हल्का सा लग जाए, ठीक है, तो फिर इसको थोड़ा सा काटना भी है। ठीक है, काट के फिर ऐसे मोड़े और फिर यहां से स्लीव लगाना, स्लीव इसलिए ताकि दो तार आपस में शॉर्ट ना हो। ठीक है, तो इसी तरह मैं ग्रीन और व्हाइट को भी जोड़ देता हूं। देखिए चारों वायर को अच्छे से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको यहां पे अच्छे से टेपिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेपिंग करने के बाद मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूं। आप चाहें तो एक साथ दो फोन भी चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, और एक एक केबल से आप दोनों फोन को चार्ज कर सकते हैं। आपको बारी बारी अलग अलग केबल खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केबल ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और एक चार्जर से ही आपका काम हो जाएगा। अगर दो फोन आप एक साथ लगा देते हैं चार्ज में तो चार्ज होगा, ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, थोड़ा स्लो हो सकता है। ठीक है, लेकिन चार्ज जरूर होगा और दोनों फोन अच्छे तरीके से चार्ज होंगे। टेपिंग आप अच्छे से करें। ठीक है, अगर आप चाहें स्लीव लगाना तो इसके ऊपर भी एक स्लीव लगा सकते थे। ठीक है, एक इसके ऊपर भी जिस तरह का स्लीव आप लगा रहे थे, यहाँ एक मोटा स्लीव पहले ही तार ज्वाइंट करने से पहले ही यहाँ लगा दिया था और बाद में इसको यहाँ लगा देने से बिल्कुल ऐसे हो जाता। ठीक है, लेकिन मैं सब दोस्तों के पास स्लीव नहीं हो पाता इसलिए मैंने टेप का ही इस्तेमाल किया। ठीक है, आप देखिए कनेक्ट कर लिया गया। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब मैं सबसे पहले आपको दो फोन लेता हूँ, एक सी टाइप, मैंने सी टाइप लगा दिया। ठीक है, एक माइक्रो यूएसबी ये लगा दिया। ठीक है, और अभी देखिए ऑफ है, ऑन हुआ। ठीक है, मैंने पहले इसको लगा दिया यहाँ पे, अब आप देखें। ठीक है, दोनों एक साथ यहाँ दिख रहा है और यहाँ भी देख लीजिए। ठीक है, दोनों फोन एक साथ चार्ज होने लगे। ठीक है, अब आप चाहें तो एक केबल से दो फोन एक साथ चार्ज करिए। ठीक है, या फिर अलग अलग समय भी चार्ज करें लेकिन एक ही केबल से आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।